हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 50 रुपया है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। तो एस आई हो जाएगा 8% और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8.16%। कितने का रुपए का है? 50 रुपए का। प्रतिशत में कितने का है अंतर? है 0.16 का इंटू 100। 4 से इंटू 100 और इसका भी आ जाएगा 100% हटेगा तो ऊपर 100, ये हो जाएगा 4 से 25 बार। ये 4 से 25 बार, 25 इंटू 50, 625 को 50 से मल्टीप्लाई 0, 5 इंटू 5, 25 का 5 हासिल की 2, 5 दुनी 10, 12 का 2 हासिल की 1, 6 पंजी 30 31, 31,250। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। अगर 100% उसका कुल उत्पाद था, उसमें 11% खराब निकल गया तो सही कितना था? 89% सही। सही उत्पादों की संख्या, 6853 बटा 89 इंटू खराब उत्पादों की संख्या 11। 6853 में 89 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा, 89 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 7 बार। 6853 में 89 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 9 63 का 3 हासिल की 6, 7 8 56, 56 और 6 62, 723। ये इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा, तो फिर ये 7 से 7 बार, तो 77 इंटू 11, तो 770 प्लस 11, 847। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो एक मेज के ऊपर रखा गया है कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई 9 सेमी है, यह हो जाएगी एक मेज, कांच के एक टुकड़े और मेज की भुजा की बीच की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9 सेमी है, तो ये हो जाएगा एक कांच का टुकड़ा का हो जाएगी चौड़ाई 31, इधर 9, 31 प्लस 9 दूनी 18, 31 प्लस 18 49 सेंटीमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स, 378 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में एक ट्रेन 83 सेकंड का समय लेती है, वहीं एक साइन बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई, साइन बोर्ड को पार करने में 83 माइनस साइन बोर्ड को पार करने में 29 और 378 लंबे मीटर लंबे पुल को पार करने में 83 सेकंड, तो 83 माइनस 29, 83 में से 29 चला जाएगा, 83 में से 30 माइनस कर लेते हैं, 30 माइनस होगा तो 53 और एक हो जाएगा 54, तो 378 बटा 54, तो ये चला जाएगा 6 से 9 बार, 36 6 18, 9 से 63 7 बार, 7 इंटू साइन बोर्ड को पार करने में 29, तो 7 से 7 9 63 का 3 हासिल की 6 7 14 6 20, 203 मीटर लंबी। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संभव त्रिभुज भुजाकार मैदान की सतह पर 15 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर और 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति, हो जाएगी 3 अक्स बटा 15 प्लस अक्स बटा 20 प्लस अक्स बटा 30, तो ये हो जाएगा 3 अक्स बटा, यहाँ हो जाएगा नीचे
एलसीएम हो जाएगा 60 चार एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स, तो ये हो जाएगा 3 एक्स इंटू 60 ऊपर चला जाएगा बटा 4 3 7 7 8 2 9 एक्स, ये इससे चला जाएगा 3 बार। तो 60 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखे स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन, 1000 किमी की दूरी तय करने में विक्की और राकेश द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है। विक्की और राकेश द्वारा समय का अनुपात कितना है? 41:37 है। उनकी गतियों का अनुपात, उनकी स्पीड का अनुपात हो जाएगा 37:41। आगे देखिए स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। अक्ष को 105 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है? 19। तो संख्या हो जाएगी 105 प्लस 19 हो जाएगी संख्या, अक्ष बराबर 124। तो उस संख्या को 21 से विभाजित करने पर, तो 124 को 21 से विभाजित करने पर, 124 को 21 से विभाजित करेंगे तो भी 19 शेष बचेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुतम समापवर्तक 90 और महत्तम समापवर्तक 9। तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एस सी एफ। तो उन संख्याओं का गुणनफल को अक्स मान लेते हैं, एल सी एम आ जाएगा 90 इंटू एस सी एफ आ जाएगा 9, अक्स बराबर 630। आगे देख अक्स बराबर 810, अक्ष बराबर 810। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति हावर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 12 मिनट देरी से पहुंचता है, 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति हावर की गति से साइकिल चलाता है तो वह 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है हॉस्टल में कॉलेज के बीच की दूरी। तो पहले इसका वो निकाल लेते हैं, 12 इंटू 20 तालों का गुणनफल बटा तालों का गुणनफल हो जाएगा 60 इंटू 80 बटा तालों का अंतर हो जाएगा 20 इंटू समय, हो जाएगा 12 दूना 24, एक मिनट, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60, 60 से 60 चला जाएगा 20 से 4 बार, 4 इंटू 24 बराबर 96 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 684 भाग ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 × 16/15, 4 से 4 बार 3 से 5 बार, 4/5 − 2/3, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 15, ये हो जाएगा 4 × 12 − 10 2/15। तो 684 × 15/2, तो 2 से चला जाएगा ये 3 × 2 342 × 15, 342 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5130। आगे देखें स्टूडेंट्स ग्यारहवा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1836 में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, 12.5% बराबर होता है 1/8, तो कितने में बेच रहा है वो? 8 से 9 में, तो 1836/9 × उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 का आधा 1/2, तो 9 से 9 × 18 = 9 चौक 36, 2 से 102 × 8, 8 × 16 = 816। आगे देखे स्टूडेंट्स बारहवा क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 39% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य की अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 39% की छूट रखता है, तो ये हो जाएगा 39% की बढ़ोतरी, तो 39 माइनस
उनचालीस माइनस उनचालीस इंटू उनचालीस बटा 100, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस चला जाएगा, माइनस उनचालीस का स्क्वायर तो 9 9 81, 3 का 0 9, 29 27, 27 का हो जाएगा 54, 1 4 8, 12 का 2 हासिल किए, 1 9 10 5 15, 1521 भाग 100 तो हो जाएगा माइनस का 15.21% की हानि। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड के निर्माण डिजिटल बोर्ड बोर्ड की लंबाई 9% बढ़ाने और चौड़ाई 9% घटाने का निर्णय लिया, बोर्ड में होने वाले परिवर्तन, तो इसकी लंबाई 9% बढ़ाई माइनस चौड़ाई इसकी घटाई, 9 9 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9 बटा 100, तो 9 से 9 चला जाएगा, 81 बटा 100, ये हो जाएगा माइनस 0.81%, माइनस 0.81% की कमी। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 3240 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1342 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है, 11% अधिक लाभ है, अधिक लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 1300, अक्स माइनस 1342 इंटू 111 बटा 100 बराबर 3241 माइनस अक्स, तो ये हो जाएगा 111 अक्स माइनस 14 8962 बराबर 3241 20 माइनस 100 अक्स, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 211 अक्स बराबर 3 32 41 00 प्लस 14 8962, ये हो जाएगा अक्स बराबर 47 30 62 बटा 211, ये इसे चला जाएगा 2242। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, विमल फ्रेंच में 80 में से 71, फ्रेंच में 80 में से कितने नंबर, 71 नंबर, और 100 में से 93 नंबर, 70 में से 53 नंबर, और जापानीज में 45 में से 47 नंबर, तो 8 8 7 15 15 10 25 25 5 30, 300 में से कितने नंबर लेके आया, 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 1 14 का 4 हासिल की, 1, 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और 4 21 21 और 5 26, 264 बटा 300 इंटू 100, 20 से 20, 3 3 8 24 24, तो फिर 3 8 24 88%। आगे देखें स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, एक बॉक्स में 7 अनुपात 8 अनुपात 6 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, 7 अनुपात 8 अनुपात 6, 1 5 और 10 रुपए के, तो 1 रुपए का 7 सिक्का है तो 7 रुपया हो गया, 5 रुपए के 8 सिक्के तो 40 रुपया, 10 रुपए के 6 सिक्के तो 60 रुपया, 60 और 40 100 और 107, टोटल सिक्कों का रुपया कितना है, 749 बटा 107, ये चला जाएगा इससे 7 बार, तो 1 रुपये वाले के सिक्के, 1 रुपये वाले के सिक्के कितने हैं, 7 7 × 7 49 सिक्का। आगे देखें स्टूडेंट्स 11 की घात 4 का हो जाएगा ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 की घात 8 इंटू ये 11 की घात 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 11 की घात 6 इंटू 11 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 11 की घात 8 1 11 की घात 9, 11 की घात 9 इंटू 11 की घात माइनस का 6 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 11 की घात 3 11 की घात
प्लस 21 तो हो जाएगा 11 की घात 3 हो जाएगा 1331 प्लस 21, तो 2 3 2 5 और 1300 17√3 वाले एक घन को पिघलाकर, विकिरण वाले घन को पिघलाकर, तो घन का विकिरण होता है a√3। तो ये कितना दे रखा है अपन को, 17√3, a बराबर हो जाएगा 17। तो घन का आयतन होता है 17 × 17 × 17 बटा घनाभ। उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा ये हो जाएगी, घन की चौड़ाई हो जाएगी 8.5 और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 17 से 17 चला जाएगा, 17 से 8.5 ये चला जाएगा 2 बार, h बराबर 34 सेंटीमीटर। सरल कीजिए, 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15, तो 1/15 × 15 × 15 × 15 × 15 15 से 15 चला जाएगा, 15 का क्यूब होता है 3375। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन, 6200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है, तो 6200 का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 20 से 20 62 × 40 हो जाएगा 0 0 4 2 8 और 4 6 24 2480 2480 हो गया ब्याज राशि, हो गई 6200 और 2480 ब्याज, 0 8 4 2 6 4 8 8680 8680 के अंदर अपन 2 का भाग दे देते हैं, तो राशि हो जाएगी 4340 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स, सरल कीजिए, √23.04, तो 23 का होता है 4.8, 4.8 प्लस 86.49 का होता है 9.3 प्लस 9.3, तो 9.3 हो जाएगा 18.6, 4.8 प्लस 18.6, तो 6 और 8 8 14 का 4 हासिल की 1, 18 1 19 19 4 23.4। आगे देखे स्टूडेंट्स, 24वां क्वेश्चन, हकीम क्रिप्टो और गणेश का वेतन का अनुपात, हकीम क्रिप्टो और गणेश का वेतन का अनुपात 3:5:7 है, यदि गणेश को हकीम से 648, गणेश को हकीम से कितना मिल रहा है अनुपात में 4, और वैसे रुपये में कितना 648, तो 4 से 4 × 4 = 2 4 6 = 24 4 × 8 162 रुपया, तो क्रिप्टो को कितना मिलता है 5, 162 को 5 से 810 रुपया, 810 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वर्त की त्रिज्या को 12 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व परिधि की कितने गुना बढ़ जाएगी, तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो r एक बार आ रहा है तो वह 12 गुना करने पर 12 गुना बढ़ेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।